हेलो एवरीवन, वेलकम डी एक्सपर्ट लाइव। डी एक्सपर्ट लाइव स्टडी स्मार्ट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में। हाल ही में कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स और कई सारे न्यूज़ चैनलों द्वारा ये कन्फर्म हुआ है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कई सारे पदों पर भर्ती की जा रही है। चलिए आइए जानते हैं कि कौन कौन से पद हैं जिन पर भर्ती की जाएगी, साथ ही ये भर्ती कब की जाएगी, क्या ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में ये भर्ती की जाएगी। आइए चलते हैं न्यूज़ की ओर। न्यूज़ पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक डी एक्सपर्ट लाइव स्टडी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। तो फ्रेंड, हाल ही में जो न्यूज़ आ रही है वो है कि मध्य प्रदेश 1,00,000 खाली पदों पर मध्य प्रदेश की सरकार भर्ती करने वाली है। ये न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बम्पर भर्ती होने वाली है, यानी कि आने वाले दिन दिसंबर के बाद से 2019 की यहाँ पर हम कंफर्म बात करें तो 2019 में आने वाले जो दिन होंगे उनमें कई सारे ऐसे पद हैं जिन पर मध्य प्रदेश सरकार भर्ती करने जा रही है। हाल ही में जो फैसला गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है उसमें पुलिस, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई ऐसे विभाग हैं जिन पर काफ़ी दिनों से कोई भर्ती नहीं हुई है तथा जिनमें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट के पद खाली हैं जिन पर अभी तक भर्ती नहीं की गई है। तो गवर्नमेंट ने इन सभी डिपार्टमेंट से अपने खाली पड़े हुए पदों के बारे में रिपोर्ट मांगी है, यानी कि सभी विभागों को कहा गया है कि अपने यहाँ पर जो खाली पद हैं उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपे। इसके मिलने के बाद सरकार लगभग ऐसे 1,00,000 पदों पर बैक टू बैक नोटिफिकेशन जारी करके भर्ती करने की तैयारी में है। फ्रेंड्स, बात करें कि किन डिपार्टमेंट में यहाँ पर भर्ती होने की संभावना है तो मध्य प्रदेश पुलिस, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे कई पद हैं, जैसे कि MP पुलिस में कई सारे पद कांस्टेबल, SI और सब कांस्टेबल के खाली हैं। इसके अलावा वन विभाग में भी कई सारे पद खाली हैं जिन पर भर्ती होने वाली है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उस पर भी कई सारे पद हैं जो खाली हैं जिन पर भर्ती होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, यानी कि जो लोग नर्सिंग स्टाफ की है, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी कई सारे पदों पर भर्ती होने वाली है। साथ ही कई अन्य पद जैसे कि मध्य प्रदेश में क्लर्क, क्लरिकल जो पद होते हैं या फिर ग्रुप 4, ग्रुप 3 डिपार्टमेंट के जो पद हैं इन पर भी भर्ती मध्य प्रदेश में की जाएगी आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, इस तरीके से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट से खाली पड़े हुए पदों के बारे में, यानी कि रिक्त पदों के लिए इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आपके यहाँ पे कितने पद खाली हैं जिन पर भर्ती की जा सकती है। तो आने वाले दिनों में 2019 में कई सारे पदों पर भर्ती होने वाली है। ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है जो लोग काफ़ी दिन से MP गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो लोग अब तैयार हो जाएं, क्योंकि 2019 ये उनका साल है। आप लोग अगर मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो प्लीज़ तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, 2019 में आपका यहाँ पर जॉब कंफर्म रहेगा। तो अगर आप अन्य वीडियो और स्टडी मटेरियल चाहते हैं, कई सारी वैकेंसी के लिए हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।